नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बुल ट्रेडर्स करके हमारे YouTube चैनल है। यहाँ पे बहुत सारे लाइव ट्रेडिंग प्लस इन्फॉर्मेशन भरे वीडियो, प्लस हमने कुछ नई सीरीज स्टार्ट की है, उसमें हम बैंक निफ्टी और निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस भी दे देते हैं आपको एक दिन पहले। तो चैनल को विजिट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट में दे सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, वाटर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। उसका पहला पार्ट आ चुका है, बेसिक ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। तो आज हमारा जो पार्ट बना रहा है वो सेकेंड पार्ट है। उसमें हम जानेंगे कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, और सारी चीज़ें डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, तभी बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। और बात रही टेलीग्राम चैनल की, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में जुड़ सकते हो। बहुत सारे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन भरे कॉल एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बुल ट्रेडर्स करके। शुक्रवार के दिन हमने यहाँ पर कॉल दिया था, देखो ऑप्शन बाय करने के लिए दिया था 31,800 का पी। देख सकते हो टाइम भी यहाँ पे है, 1:08 के आसपास दिया था। 530 से 540 के बीच में बाय कर सकते हो, 495 का स्टॉप लॉस रहेगा। और लॉजिकल टारगेट भी बताए थे 575, 590, 630, मतलब 1:4 का यहाँ पे मैंने टारगेट मेंशन किया था। वो सारे टारगेट अच्छे हो चुके हैं। हाई जो बनाया था वो 732 का था, और वो जो ऑप्शन क्लोज हो चुका है उसकी प्राइस यहाँ पे देख सकते हो 700 में वो क्लोज हो चुका है अभी भी फिलहाल। जिन्होंने होल्डिंग में लेके जाए गए होंगे उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो टाइम टू टाइम स्टॉक भी देते रहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई तो इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं। ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स के प्रॉफिट है इसमें देख सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके आप हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में जुड़ सकते हो। बहुत सारे कॉल आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। तो आज हम समझेंगे कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था। लास्ट एपिसोड का अगर थोड़ा सा रिमाइंड करना चाहेंगे तो मैं बता दूंगा कि 2000 से ऑप्शंस मार्केट में इंट्रोड्यूस किए थे इंडियन स्टॉक मार्केट में NSE ने, और जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट थे वो 2016 से शुरू किए थे, नवंबर 2016 से। तो ऑप्शंस जो बनाए गए थे वो हेजिंग पर्पज़ और स्पेकुलेशन पर्पज़ के हिसाब से बनाए गए थे। अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अभी मैं बताता हूँ कि स्पेकुलेशन क्या होता है। स्पेकुलेशन मतलब आपका एक व्यू होता है मार्केट की तरफ, कि आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन रहते हैं हमेशा, तीन ऑप्शन। एक तो आप फ्यूचर बाय कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, वहाँ पे एक फ्यूचर बाय कर सकते हो, नहीं तो कॉल बाय कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो पुट शॉर्ट कर सकते हो। ये तीन ऑप्शन आपके पास होते हैं, और इसमें से जो फ्यूचर बाय करने के लिए आपको ओवरनाइट लेके जाने के लिए 1.6 लाख रुपीज़ पे करना पड़ता है, और पुट सेल करने के लिए भी आपको 1.6 लाख रुपीज़ के आसपास ही प्रीमियम देना पड़ता है। तो सबसे सस्ता वाला जो होता है कॉल बाय कर सकते हैं, वो आप जो प्रीमियम है उसको मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज़ करोगे तो वो हो सकता है, मिनिमम 20,000 के अंदर ही ये हो जाता है। तो ये तीन ऑप्शन में से आपके हिसाब से आपका जितना पॉकेट साइज़ है उस हिसाब से आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपका व्यू मार्केट के ऊपर बुलिश है तो वहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन रहते हैं, एक तो फ्यूचर बाय कर सकते हो, कॉल बाय कर सकते हो, नहीं तो पुट शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये स्पेकुलेशन क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट के ऊपर आपका एक व्यू रहता है, मार्केट अगर ऊपर जाने लगा है, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इस मंथ के एक्सपायरी तक मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट रैली कर जाएगा, तो वहाँ पे आप कॉल खरीद लेते हो, और आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट 1000 पॉइंट डाउन जाएगा इस महीने में, तो वहाँ पे आप पुट खरीद करते हो। तो अब ये कॉल एंड पुट क्या होता है, तो स्पेकुलेशन में क्या होता है, वहाँ पे आपको कम प्रीमियम में आप स्पेकुलेट कर सकते हो, मतलब आपका एक व्यू बना सकते हो मार्केट के ऊपर, ठीक है, कि मुझे लगता है होगा या नहीं होगा ये मार्केट डिसाइड करेगा, लेकिन ये आपको जो लगता है वो लगने की जो भावना एक्सप्रेस करनी पड़ती है मार्केट में उसको स्पेकुलेशन बोला जाता है। और जो बात रह गई हेजिंग की, सेकेंड पर्पज़ क्या था, हेजिंग का मतलब मान लेते हैं कि अगर आपने कोई नई कार खरीदी कर ली है तो आपको पता होगा कि आपको श्योर एंड शॉर्ट सबसे पहले रोड टैक्स देना पड़ेगा और 5 साल का इंश्योरेंस कन्फर्म पहले ही पे करना पड़ेगा। अभी इंश्योरेंस क्यों देना पड़ता है, क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए, आपके फैमिली मेम्बर्स की सेफ्टी के लिए, आपकी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए, तो ये गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर चुके हैं। तो जब भी किसी, आपको पता होगा आपका मार्केट में अगर पोर्टफोलियो है तो उसको सिक्योर करने के लिए उस पोर्टफोलियो जो आपने बनाया है उसको जब ये निगेटिव डाउनग्रेड हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे लॉसेस कम करने के लिए वहाँ पे आप ऑप्शन खरीदी कर सकते हो। उस हिसाब से आपका थोड़ा सा लॉस कम हो जाता है और आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो यहाँ पे समझेंगे कि कॉल एंड पुट क्या होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले ये कॉल, ठीक है, और इसको CE को कॉल बोला जाता है, PE को पुट बोला जाता है।
अभी जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तब आप कॉल खरीद कर सकते हो, जब आपको लगता है मार्केट नीचे जा रहा है तब वहाँ पे आप पुट बाय कर सकते हो, ठीक है। सिंपल है, सिंपल ही रखी है उसको, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिएगा। तो मार्केट ऊपर जाने वाला ऐसा लगता है तब आप कॉल खरीद सकते हो, मार्केट नीचे जा रहा है तब वहाँ पे आप पुट खरीद कर सकते हो। ये स्पेकुलेशन मतलब आपका व्यू क्या है मार्केट के ऊपर, आपको लगता क्या है, बुलिश है या बेरिश है मार्केट, उस हिसाब से आप कॉल एंड पुट खरीद कर सकते हो। अभी ये इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल हम ऊपर से समझते हैं कि कॉल एंड पुट क्या होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने चार्ट लगाया हुआ ऑलरेडी HDFC बैंक का, इसका क्लोजिंग प्राइस देख सकते हो 1414 के आसपास ये क्लोज हो चुका है। तो मान लेते हैं कि अगर हम HDFC बैंक के ऊपर बुलिश है, हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाएगा और आने वाले टाइम में 1500 तक जा सकता है, तो हम वहाँ पे 1500 का कॉल ले सकते हैं। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आ चुके होंगे कि 1500 का ही क्यों सी खरीदी करेंगे, बीच वाला क्यों नहीं खरीदी करेंगे, 1450 वाला, इन द मनी वाला, डीप इन द मनी वाला क्यों नहीं खरीदी करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम वहाँ पे 1500 का कॉल खरीदी कर लेते हैं, ठीक है। तो उसका प्राइस अगर मान लेते हैं 5 रुपये चल रहा है अभी, तो HDFC बैंक का लॉट साइज़ है 350 क्वांटिटी का, तो 5 रुपये इंटू 350 अगर मल्टीप्लाई कर लेते हो तो जो भी आपका प्राइस वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जो भी प्राइस आ जाएगा वहाँ पे उतना आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। मतलब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 1750 रुपीज़, तो यहाँ पे 1750 रुपये आपको देना पड़ेगा इसको होल्डिंग में लेके जाने के लिए 5 रुपये प्रीमियम का कॉल। तो जब भी प्राइस ऊपर जाएगा तो इसका कॉल का प्रीमियम बढ़ता जाएगा। मतलब कैसे, अगर मार्केट 1400 से ट्रैवल करके 1500 पहुंच गया, ठीक है, मान लेते हैं कि पहुंच गया, तो आपने जो 5 रुपये में यहाँ पे कॉल लिया था उसका प्राइस बढ़ के बन जाएगा यहाँ पे 10 रुपीज़, तो आपको कितना रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मतलब आपका पैसा वहाँ पे डबल हो चुका है। ये हो सकता है, होगा ये नहीं बोल रहा हूँ, ये हो सकता है। तो ऑप्शन बाइंग में आपके अगेंस्ट मतलब आपके फेवर में मोमेंटम हो गया तो वहाँ पे अच्छा खासा पैसा मिलता है, अच्छा खासा पैसा बनता भी है वहाँ पे। तो ये हो गई मार्केट के ऊपर आपका बुलिश व्यू हो गया। तो और किसी को लगता है कि यहाँ पे 1440 चल रहा है प्राइस और आने वाले टाइम में HDFC बैंक 1300 तक पहुँच जाएगा, तो वो बंदा क्या करेगा, 1300 का PE खरीदी करेगा, ठीक है। सेम जैसे बुलिश मोमेंटम में CE बाय किया था, बेरिश मोमेंटम में हम PE बाय करने की कोशिश करेंगे। तो 1300 का PE अगर किसी ने यहाँ पे 10 रुपये में बाय किया है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं नंबर, 10 रुपये में बाय किया 350 रुपीज़ का, तो उसको कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो 350 मल्टीप्लाई बाय अगर 10 करोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि 3500 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। और इसका प्राइस कब बढ़ेगा, जब मार्केट धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, 1414 से 1300 तक ट्रैवल करता नीचे आएगा, तब आपका ये पैसा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अभी ये कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कितना टाइम का मोमेंटम होना चाहिए, कौन से टाइम में आपको लेना चाहिए, इसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक वीडियो में चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो पार्ट बाय पार्ट हम डिवाइड करेंगे, जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम सिखाएंगे आपको इन द मनी ऑप्शन क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, डीप आउट ऑफ द मनी क्या होता है, डीप इन द मनी क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में जो वीडियो बनेगा उसके ऊपर हम आपको एक्सप्लेनेशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को सहयोग कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर हम आपको कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस हिसाब से आपको भी कुछ हमको रिटर्न में देना पड़ेगा। रिटर्न में मतलब वहाँ पे आपको खाली चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है, इतना ही करना है दोस्तों। ऐसे और वीडियो बनाएंगे आपके लिए, उसमें समझेंगे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और बात रही टेलीग्राम चैनल की तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।